सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अच्छा, क्रोध की भी आयु कही गई है। क्रोध की आयु कही गई है। बोले कितनी आयु है क्रोध की? बोले 3 मिनट। कोई कितना भी क्रोध में क्यों ना हो, 2 मिनट 59 सेकंड तक अगर वो क्रोध बना है उसका मौन, लेकिन कहीं वहीं छेड़ दिया तो वहीं से 3 मिनट और प्रारंभ हो जाएगा। क्रोधी व्यक्ति के सामने मौन हो जाना ही सुंदर कार्य है। आप क्रोधी के सामने जितना बोलते जाओगे उसका क्रोध रुकेगा नहीं, क्रोध बढ़ता जाएगा। और क्रोध बढ़ेगा तो उसकी आयु घटेगी। पहले दिन ही मैंने चर्चा की थी, क्रोध से 64 श्वास खर्च होती है। क्रोध करने पर 64 श्वास एक बार में खर्च होती है। और ऐसे सहज रूप में हम आप सब जो बैठे हैं यहाँ पर, तो मानो 1 मिनट में 12 श्वासें मानो घट रही हो जितना समय लगता है। क्योंकि एक मनुष्य एक दिन में 21,600 बार श्वास लेता है। कितनी बार? 21,600 बार। अब 21,600 बार हम 24 घंटे में श्वास लेते हैं, तो हमारे श्वास का सदुपयोग कैसे हो? हम जो बैठे हैं तो हमारी 12 श्वासें खर्च होंगी, तो 21,600 में प्लस हुआ कि नहीं? और यही श्वास अंतिम समय में काम आती है, जब डॉक्टर साहब लोग से कहना पड़ता है, महाराज ऑक्सीजन लगा दीजिए, श्वास की कमी हो गई है। तो हम श्वास को बचा के रखेंगे तो अंतिम समय में हमारे पास श्वास की ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं लेने की पड़ेगी, हमारा श्वास हमारे पास सुरक्षित रहेगा। ठीक उस प्रकार से जैसे मोटरसाइकिल में तेल भराया, लक्ष्य है उतने तेल में हम गोरखपुर जा सकते हैं, गोरखपुर से आ सकते हैं, लेकिन ज्यादा एक्सीलेटर होंकेंगे तो क्या होगा? चले जाएंगे, आते समय कुछ दूर पहले ही रुकना पड़ेगा, क्यों? तेल ज्यादा जलेगा। तो ऐसे ही क्रोध जब करता है व्यक्ति, उस समय उसकी 64 श्वासें चलती हैं एक बार में। तो 64 श्वास क्रोध का अलग स्वरूप।